भैया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीओ सीओ डब्ल्यू काऊ। अब काऊ के क्या होते हैं? दो हॉर्न्स, सींग होते हैं। तो जैसे ही राजू के पीछे गैया आ गई तो गीत स्टार्ट हो गया। अपन गीत गाते हैं। गीता बोली राजू भैया, गीता बोली राजू भैया, बोलिए। आपको भी एक करनी है। अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक ही बार बोलूंगा। अब मैं ऐसे करूंगा तो आप क्या बोलोगे? आवाज नहीं आई। क्या बोली होगी बता सकते हो? पीछे आ गई गैया, पीछे आ गई गैया। एक्टिंग करना है, एक्टिंग। जैसे मैं क्यों कर रहा हूं, आपको भी ऐसे ही करना है। हाँ, राजू घबरा गया। राजू एकदम डर गया, पीछे गई आ गई तो डर गया वो। तो उसने डंडा उठा लिया, एकदम डंडा हाथ में ले लिया बचने के लिए। मैंने डंडा हिलिया, मैंने डंडा हिलिया, गैया बोली सॉरी भैया, गैया बोली सॉरी भैया। क्या बोले? क्या बोले? जब अपने से कोई परेशान हो जाए तो आपको क्या बोलना चाहिए? जब आपसे मम्मी परेशान हो जाए तो आपको क्या बोलना चाहिए? जब आपके टीचर आपसे हैरान हो जाए, आप होमवर्क करके नहीं ले जाओ, आप शोर मचा रहे हो नॉटी बॉय की तरह, तो आपको क्या बोलना चाहिए? कैसे बोलना चाहिए? बोल, पकड़ तो है ही नहीं रहे आप। बोलो कैसे करोगे आप? चलिए फिर से स्टार्ट। मैंने डंडा हिलिया, मैंने डंडा हिलिया, गैया बोली सॉरी। जब कोई सॉरी बोल दे तो उसे गाली देना चाहिए? जब कोई सॉरी बोले तो उसे डंडा मारना चाहिए? जब कोई सॉरी बोल दे तो उसको आंख दिखाना चाहिए? नहीं दिखाना चाहिए। जैसे आप मम्मी से सॉरी बोलोगे तो मम्मी भी आपको कुछ नहीं कहेगी, आपको डांटेगी नहीं, मारेगी नहीं, पीटेगी नहीं, आंख भी नहीं दिखाएगी। और तुम्हारी टीचर भी ऐसे ही करेगी। अब जब आप सॉरी बोलते तो टीचर आपको मारते हैं? नहीं मारते हैं। तो हमको उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा माने सॉरी बोलो। उत्तम क्षमा मतलब सॉरी बोलो। अपने से गलती हो जाए तो सॉरी बोलो। ओके चले। तो फिर उसने डंडा को क्या किया होगा? उसने डंडा छोड़ दिया, उसने डंडा छोड़ दिया। उसने डंडा रख दिया, छोड़ दिया, उसने मारा नहीं। पहले तो घबरा गया था एकदम, और जब उसने सॉरी बोल दी तो उसने डंडा रख दिया। ठीक है, गैया बोली थैंक यू भैया। गैया बोली, गैया क्या बोली? गैया क्या बोली? मैंने डंडा फेंक दिया, मैंने डंडा फेंक दिया, थैंक यू भैया। गैया क्या बोली? जब कभी मम्मी पापा आपको अच्छी शिक्षा दें तो आपको क्या बोलना चाहिए? जब आपकी टीचर आपको अच्छी शिक्षाएं दें, आपको वार्निंग दें, आपको समझाएं, आपको इंस्ट्रक्ट करें, तो आपको क्या बोलना चाहिए?
आप बोलते हैं स्कूल में? नहीं बोलते? हाँ बोलते हैं ना, तो अभी नहीं बोलते तो भी बोलना, ठीक है। आज आपकी एग्जामिनेशन होगी, देखते हैं आप थैंक यू बोलते हैं कि नहीं बोलते। चलिए, तो ये तो हुआ एक गीत, कोई बात नहीं, अगले जन्म में कभी बर्थडे ना हो उनका, अभी रखिए हैं, अभी बैठिए चुपचाप। आइए अपन वापस आते हैं। तो ये एक तो आपको मालूम पड़ गया, यदि कुत्ता मिल जाए तो उसके ऊपर थूक देना चाहिए, नहीं थूकना चाहिए, नहीं उसके पूछ में फटाके बांध देना चाहिए और फिर उसमें आग लगा देना चाहिए, फिर कुत्ता क्या करेगा, इधर उचकेगा फिर उधर उचकेगा फिर उधर उचकेगा फिर उधर उचकेगा और बाद में मर जाएगा, तो अपने को मजा आएगा नहीं आएगा? तो फटाके बांधना चाहिए, पत्थर मार देना चाहिए, अच्छा थूक देना चाहिए। एक स्कूल था, छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे छोटी छोटी बच्ची है ना, ये सबसे छोटी बच्ची है, तो एक छोटी सी बच्ची है, ऐसे एक जी बच्ची है, तो दोनों बच्चे नर्सरी की बात है, ऐसे बैठे हुए थे सारे, तो एक बच्ची को नींद आ गई, तो ऐसे ऐसे सोने सो गई वो, तो बगल में बैठी बच्ची जाने क्या सूझा, उसने उसे डस्टबिन समझ के उसे थूक दिया, समझ गए उसने उसको, अब वो बेचारी रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, उसके मुंह में थूक डाल दिया उसने, तो टीचर ने बोला ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा करना चाहिए? तो आप देखना स्कूल में क्या करते हो आप, पीछे वो बांध देते हैं सुतली, कुछ ना कुछ बांध दिया, और नहीं तो किसी के ऊपर कचरा डाल दिया चुपचाप, नहीं नहीं करते आप लोग ऐसा? हाँ देखो जी, आप बोल इसके लिए ताली बजाइए, इसने तथ्य बोला मैं अपना कचरा दूसरे के बैग में डाल देता हूँ, ईमानदारी से बताया उसने, तो ये अच्छी बात है कि बुरी हैबिट है, भाई दूसरे लोग भी अपना कचरा तुम्हारे उसमें डाल देंगे, फिर एक दिन तुम्हें नींद आ जाएगी और वो अपना तो आपको ऐसा अच्छा लगेगा, तो ऐसा हम कभी करेंगे नहीं, नहीं करना चाहिए नहीं, नहीं। चलिए ये तो हुई एक बात, अभी अपने को आगे की बात करनी है। मुझे आपको जैन धर्म का एक लेस्या का पाठ पढ़ाना है, लेस्या, लेस्या की स्टोरी सुनाऊं आपको? लगभग लगभग इंडिया के 90% टेम्पल्स में उसका एक चित्र होता है, इधर भी कहीं चित्र लगा है वो पीछे बाहर, लेस्या का, एक व्यक्ति झाड़ काट रहा है, हाँ छह लेस्या पता है आपको, तो अभी इसको समझो आप,